आपने तो कहा कि नहीं अपना धर्म परिवर्तन के छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ, हमारे शादी कर लो। तो हम कैसे शादी कर ले मुसलमानों से, जब हम हिंदू है तो मुसलमानों से कैसे शादी कर ले? यूपी में आखिर हो क्या रहा है? बजरंग दल की गुंडागर्दी सरेआम चल रही है। मुस्लिम शख्स से बजरंग दल वाले जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। मुस्लिम शख्स को बजरंग दल वाले घसीट घसीट कर मार रहे हैं। मामला है पूरा, मामला ये है कि कह रहे हैं कि सद्दाम की अम्मा, सद्दाम, पुतन, सलमान और लल्लू सब यहाँ खड़े थे। कह रहे थे 20,000 रुपए ले लो, यहीं पर आए और यहीं दारू शराब पी रहे थे। 20,000 रुपए ले लो, बड़ी मुस्कान को हमारे लड़का के साथ में शादी करा दे, तुमका नहीं करेंगे तो कह रहे जान तुमको मार देंगे, सब लोग को जान को मार के चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद में लौटे आए, सब हमारी मुस्कान को घसीटे ले जाते, घसीटे ले जाते, जैसे बना तैसे हमने छुड़ाया, छुड़ा के हमारी मुस्कान का अंदर से 112 नंबर मिलाया। 112 नंबर आई तो वो हमारे सुनाई के तभी लोग सब भाग चुके थे। फिर हमने 10 बजे रात के थाने पहुँचे, रोते रोते आगे पीछे हम लोग गए, बर्रा थाना गए। बर्रा थाने में बताया तो कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, उनका झूठ नहीं बोले, कह रहे तुम्हारी लड़ाई है कहीं और की तुम लगा कहीं और रहे हो। हम कहा जो हमारे साथ वहाँ हुआ वो हम बता रहे हैं, लड़ाई के बाद छोड़ो, जो लड़ाई पहले हुई थी उसके बाद छोड़ो, जो आज हुआ वो बता रहे। फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमने वहाँ से हमको कहा गया कि अच्छा जो एप्लीकेशन लिखा के लाओ। अब यह बताओ 10 बजे रात के कौन एप्लीकेशन लिख के देगा? ये लोग कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग जबरदस्ती बात को बता रहे हैं। वो लोग क्या, कोई सच नहीं, कोई सच थोड़ा बता, उनके लड़का फंस रहे तो झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। कहा कि नहीं मेरे लड़का ऐसा की नहीं, वो तो झूठी कहेंगे कि नहीं मेरे लड़का ऐसा नहीं की नहीं। कोई सच बताने लगे तो फिर लड़ाई ना हो, सच्ची कोई नहीं बताता बातें। लड़ाई नहीं इन लोगों से, पुरानी कोई लड़ाई नहीं। जो हमारी लड़ाई हुई थी वो हम लोगों ने मिल बांट के पास में थाने में शिलानामा होगा कि चलो ठीक है आंटी जी, हो तो हुई, अब हम लोग को रहना एक मोहल्ले में। मगर आपने तो कहा कि नहीं अपना धर्म परिवर्तन के छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ, हमारे शादी कर लो। तो हम कैसे शादी कर ले मुसलमानों से, जब हम हिंदू है तो मुसलमानों से कैसे शादी कर ले? छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ, हमारे शादी कर लो, परिवर्तन के छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ। अगर आपने तो कहा कि नहीं अपना धर्म परिवर्तन के छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ, अगर आपने तो कहा कि नहीं अपना धर्म परिवर्तन के छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ, हमारे शादी कर लो। तो हम कैसे शादी कर ले मुसलमानों से, जब हम हिंदू है तो मुसलमानों से कैसे शादी कर ले? मामला काफी ज्यादा उलझा हुआ है। देखिए मामला इसलिए उलझा हुआ है कि एक पक्ष जो है वो लगातार ये दबाव लगातार ये दावा कर रहा है कि उस पर दूसरे पक्ष ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ये कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, 20,000 रुपए ले लो। लेकिन जब इन्होंने मना किया तो इन पर तमाम तरीके के अत्याचार किए गए। लेकिन दूसरे पक्ष का वहीं पे ये कहना है कि ऐसा उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और पहला पक्ष दूसरे पक्ष पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है?